हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विशाखापट्टनम का एक और व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। आज हम लोग स्कूटी ड्राइव पर निकले हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे विशाखापट्टनम के आरके बीच रोड पर और हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। और इसके जस्ट सामने आप जो ये देख रहे हैं ये है सबमरीन म्यूज़ियम। इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अभी बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, ये है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और आज मैं आपके साथ इसी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वीक में ये म्यूज़ियम 7 डे ओपन रहता है और इसका टाइमिंग क्या क्या है और इसका टिकट चार्जेस क्या है वो सब मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो में एक छोटा सा सस्पेंस है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अभी हम इस म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाएंगे, इसके आगे जा रहे हैं, वहाँ पर भी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो ये था सस्पेंस। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ विशाखा म्यूज़ियम, बट जब हम वहाँ पर अंदर गए तो वहाँ पर COVID-19 की वजह से ये विशाखा म्यूज़ियम बंद किया हुआ था। जब भी ये विशाखा म्यूज़ियम ओपन होगा तो इसका व्लॉग भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। तो विशाखा म्यूज़ियम के जस्ट सामने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चों को कार राइड कराते हैं और वहीं पर एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगे हैं जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आरके बीच रोड पर ही है, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा कार राइड कराई जाए जिससे कि उनको भी थोड़ा सा इन्जॉय हो जाए। अगर आप कभी भी आरके बीच रोड पर आएँ तो वहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, जैसे कि विशाखा म्यूज़ियम, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और सबमरीन म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अलावा छोटे छोटे पार्क्स भी हैं जहाँ पर आप बच्चों को इन्जॉय करा सकते हैं। ये सारे चीज़ें आरके बीच रोड पर ही हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं हम आपको इस वीडियो में आर के बीच का व्यू भी दिखा दें। तो हम लोग आए हैं आर के बीच पर और वहाँ का हमने थोड़ा सा शूट किया है और थोड़ा सा बच्चों ने एंजॉय किया। उसके बाद मैं आपको वापस लेके चलूँगी एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में, क्योंकि उसको देखने का मज़ा नाइट में ही काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि लाइटिंग सिस्टम है वो सारे ऑन कर दिए जाते हैं। तो अभी हम वापस आ चुके हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम पे। तो जब हम शाम को 4 बजे के करीब आए थे तो कोई भी ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे थे, तो देखिए अभी यहाँ पर कितना रश है। तो अब हम यहाँ पर अंदर एंट्री कर चुके हैं। अंदर एंट्री करने के बाद एक और एंट्री गेट होगा जहाँ पर कि आप म्यूज़ियम के अंदर एंटर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक जगह पर और लेके जाने वाली हूँ जो कि है क्राफ्ट मेला। ये आरके बीच रोड पर ही लगता है। ये विशाखापट्टनम में हर साल ये मेला दिसंबर एंड में या जनवरी तक लगता है और ये 2-3 महीने रहता है। अगर आप आरके बीच रोड पर आएँ तो इस क्राफ्ट मेले में ज़रूर विज़िट करें। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर और भी व्लॉग वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जैसे कि केदारनाथ का व्लॉग, मसूरी व्लॉग और विशाखापट्टनम के भी और भी कई व्लॉग मैंने बनाए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप वीडियो के एंड में भी चेकआउट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी बीच बीच में मैं आपको उनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोगों को लगी थी ज़ोरों की भूख, तो हमने सोचा क्यों ना अब डिनर किया जाए। तो डिनर करने के लिए हम लोग गए थे होटल स्पार्क ग्रैंड, और इसका जो डिटेल्स हैं, कहाँ पर इसका जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। अगर आप इस रेस्टोरेंट में विज़िट करना चाहें तो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। मुझे ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो डिनर करने के बाद अभी हम लोग अपने घर के लिए वापस निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10 और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये विशाखापट्टनम के रोड साइड का व्यू है। और अभी जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये विशाखापट्टनम का नेवल बेस एरिया है। काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है और काफ़ी पॉश एरिया कहा जाता है ये विशाखापट्टनम का। मुझे विशाखापट्टनम में रहते हुए अराउंड 3 ईयर हो चुके हैं और पर्सनली मुझे विशाखापट्टनम काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है और काफ़ी पीसफुल सिटी है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और किस टाइप के व्लॉग वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।